जबलपुर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में बरसात से पहले ही विकास कार्यों की मांग बार बार सामने आ रही थी। उस वक्त विधायक तरुण भनोट ने उन कॉलोनियों और इलाकों का दौरा भी किया था। उन्होंने उस वक्त कॉलोनी वासियों के साथ मिलकर विकास कार्यों को शीघ्र कराने को लेकर संबंधित चर्चा भी की थी और अधिकारियों को इसके निर्देश दिए थे। पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के रामपुर इलाके की कॉलोनियों में विकास कार्यों को शीघ्र दूर किया जा रहा है। विधायक तरुण भनोट की उपस्थिति में महापौर जगत बहादुर सिंह ने यहां होने वाले 2,24,00,000 की लागत से विकास कार्यों के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। विधायक तरुण भनोट ने उम्मीद जाहिर की है, पश्चिम विधानसभा क्षेत्र की रामपुर से कॉलोनियों में टूटी फूटी सड़कों की समस्या से लोगों को निजात मिलेगी, उन्हें नई सड़कों की सौगात मिलेगी। इसके साथ ही छोटे मोटे अन्य विकास कार्य यहाँ कराए जाएंगे। इस क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों के साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ता और नेता भी मौजूद रहे। आज पश्चिम विधानसभा में पुनः मुझे कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है, 2,24,00,000 के काम का भूमि पूजन पुनः हुआ। दोनों कॉलोनियों में सड़कें, 8 डामलीकरण की सड़कें, कुछ पैचवर्क और उसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण रिटेनिंग वॉल 2,00,00,000 रुपए की, नहीं तो वो पूरा कॉलोनी धसकने की स्थिति थी, गिर सकती थी। उसके एहतियात के तौर पे माननीय तरुण भनोट जी विधायक पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के साथ अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर आज 2,24,00,000 के भूमि पूजन चालू हुए हैं। जैसा कि मैंने कहा, कल भी 8,00,00,000 के काम पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में शुरू हुए, आज पूर्व विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत सारे काम शुरू हो रहे हैं, लगभग 2,00,00,000 के काम। 31 मार्च 2023 तक आने वाले लगभग 5 महीने के अंदर जबलपुर शहर में सड़क नाली गार्डन के 100,00,00,000 के विकास कार्य शुरू हो रहे हैं और मार्च तक ये काम लगभग पूर्ण हो जाएंगे। ये हम लोगों के सरकार आने के बाद, प्रथम सेवक बनने के बाद, इसके पहले बहुत सारे कार्य अभी हम लोग कर चुके हैं और सड़क नाली गार्डन के जो काम है सिर्फ वो कम से कम 100,00,00,000 रुपये के कार्य जबलपुर शहर में होने जा रहे हैं। हमारे आइडियल हिल्स कॉलोनी में रामपुर में बहुत समय से लोगों की मांग थी और बरसात के पूर्व हमने यहाँ दौरा भी किया था कि जब सीवर लाइन डली थी तो बहुत सारी सड़कें टूट गई थी और उनके कारण ये खतरा बना हुआ था कि नाले का जो पानी बहता है बरसात में उससे कटाव होकर पूरी कॉलोनी का जो जनजीवन था वो खतरे में था। तो तत्काल में उस समय बात हुई थी, यहाँ हमारी बैठक भी हुई थी। उसके बाद मई महीने में 2,25,00,000 रुपये की लागत से इस रिटेनिंग वॉल का टेंडर सेंक्शन हो गया था, पर फिर चूंकि नगर निगम के चुनाव हो रहे थे, आचार संहिता लगी थी और बरसात थी। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारे नवनिर्वाचित महापौर जगत बहादुर सिंह जी अन्नू मेरे साथ आए और हम लोगों ने इसका भूमि पूजन किया है। और इसके साथ साथ क्षेत्रीय वासियों की कुछ और भी मांगे हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे सड़क अच्छी होना चाहिए, तो ये कहा गया है कि एस्टिमेट बना के दें, इसका डामलीकरण का कार्य तुरंत शुरू होगा। गार्डन की जगह तो पड़ी है पर लगता नहीं है देख के कि वो गार्डन है, तो छोटे छोटे बच्चों की भी ये मांग है कि वहाँ झूले लग जाएँ, लाइटें अच्छी हों। तो हमने डिसाइड किया कि अगले 3 माह के अंदर वो गार्डन बनाकर वहाँ पे झूले लगाकर उनको सौंप देंगे, जिससे सोसाइटी आगे उसका रखरखाव कर सके। जी हाँ, आज सुख सागर वैली का जो सड़कें थी बहुत जर्जर जीर्ण हालत में थी, वहाँ भी भूमि पूजन हुआ। और इसके अलावा कल हम सब थे गंगानगर में, महत्वपूर्ण सड़कें और गार्डन। और इसके अलावा जो गंगा सागर से गढ़ा तक की रोड है उसका भी काम शुरू कराया गया है। जो हमारी गौतम जी की मढ़िया से गोलगुआ तक की सड़क है उसका भी भूमि पूजन हुआ है और ये काम सब शुरू हो गए। तो जो पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के काम, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि किस कारणों से, पर जनता समझती है, पिछले 2-3 वर्षों से रोक दिए गए थे, वो पुनः शुरू किए गए हैं और ये सब काम स्वीकृत 3-3 साल से थे। और सरकार बदलने के बाद जो भी सोच लोगों की रही हो, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा नगर निगम के महापौर जी को कि हमारे क्षेत्र के रुके हुए काम जो रुके हुए थे, जब मैंने उनसे चर्चा की, जिनके उनने खुद आश्चर्य व्यक्त किया कि स्वीकृत काम भी नहीं हो रहे और अब उन कामों की पुनः शुरुआत हुई है और बहुत सारे ऐसे काम है जिसका अगले 10-15 दिन में हम लोग काम शुरू कराएंगे। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।